गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम कंट्रोल सिस्टम्स में यूनिट फिफ्थ का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है, या ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। क्लियर? ये आरजीबी में आया हुआ है, आरजीबी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2016-18 में आया हुआ है मेरे एग्जाम्स में, ठीक है। आज हम इसी को कवर करेंगे, इसके बाद अपना यूनिट्स कम्प्लीट हो जाएगी। इस पर पढ़ना है आज, व्हाट इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आज अपन इसे पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, वह मैट्रिक्स जो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को, जो लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, होमोजेनियस इक्वेशन को, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसी इक्वेशन, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, देखें इसको, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशंस एज, ठीक है, कौन सी इक्वेशंस, वह मैट्रिक्स जो लीनियर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स क्या है, स्टेट इक्वेशन एस कौन सी है, डी अपॉन डी टी एक्स ऑफ टी इक्व टू ए एक्स ऑफ टी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देन लेट अस कंसीडर फाई ऑफ टी विद अ एन इंटू एन मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या कर रहा है, एन टू मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्रांजिशन मैट्रिक्स को, एंड इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन क्या हो जाता है, तो यानी क्या है, फाई ऑफ टी क्या है, एन इंटू एन मैट्रिक्स है जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेट अस डी अपॉन डी टी फाई ऑफ टी इक्व टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी फाई ऑफ टी इक्व टू हो जाएगा ए फाई ऑफ टी। क्लियर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देन एट टाइम टी इक्वस टू जीरो लेट एक्स ऑफ जीरो इंडिकेट द इनिशियल स्टेट। ठीक है, यदि इसमें अपन टी इक्वस टू जीरो रख दें तो जो एक्स ऑफ जीरो निकलेगा वो जो कंडीशन है क्या कहलाती है, इनिशियल कंडीशन कहलाती है, इनिशियल स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, टाइम टी इक्वस टू जीरो लेट एक्स ऑफ जीरो इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करते हैं, वो इनिशियल स्टेट को, इनिशियल स्टेट। देन फाई ऑफ टी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द मैट्रिक्स, एंड फाई ऑफ टी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द मैट्रिक्स इक्वल एस, किसको डिफाइन करेगा, एक्स ऑफ टी इक्वस टू फाई ऑफ टी एक्स ऑफ जीरो, क्या होती है इक्वेशन, एक्स ऑफ टी इक्वस टू फाई ऑफ टी एक्स ऑफ जीरो, क्वेश्चन थर्ड। देन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी, क्या करेंगे, फाई ऑफ टी को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसका टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे बोथ साइड, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी एक्स ऑफ जीरो, तब लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तब इक्वेशन क्या निकलेगी, एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो इक्व टू ए एक्स ऑफ एस। क्लियर, कैसे, एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो एक्स ऑफ एस आया, ठीक, फाइव ऑफ टी का लिया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ जीरो माइनस कॉमन निकल इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो इक्व टू ए एक्स ऑफ एस। क्लियर, देन एक्स ऑफ एस इक्व टू क्या निकालेगा अपना, एक्स ऑफ एस इक्व टू इसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, एस एक्स एस माइनस ए एक्स एस कॉमन निकाल देंगे एक्स ऑफ एस, तो एक्स ऑफ स्क्वायर, देन इसके इनवर्स कर देंगे इस तरफ लेके, ठीक है, समझ में, एक स्टेप और कर दें, ठीक है, एस एक्स ऑफ एस इक्व टू क्या हो जाएगा, देखो एस एस एक्स ऑफ एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो इक्व टू ए एक्स ऑफ एस है, तो एक्स ऑफ जीरो इस तरफ चला जाएगा और ए एक्स ऑफ इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस एक्स ऑफ एस माइनस ए एक्स ऑफ एस इक्व टू क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ जीरो बन जाएगा ऐसा, तब इसमें से एक्स ऑफ एस कॉमन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एस ऑफ माइनस आई एस माइनस ए बन जाएगा, और एक्स ऑफ जीरो इस तरफ है, तो जब एक्स एक्स एस माइनस ए बनेगा तो उस तरफ ले जाएंगे इसको तो इनवर्स हो जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है, गुणा से भाग में आएगा, तो भाग का मतलब इनवर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ से एक्स ऑफ एस इक्व टू क्या निकल के आएगा, एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई माइनस ए का होल इनवर्स एक्स ऑफ जीरो, क्वेश्चन फिफ्थ। क्लियर, इट इज एज्यूम दैट द मैट्रिक्स एस आई माइनस ए इज नॉन सिंगुलर, नाउ टेकिंग
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फिफ्थ, क्या करेंगे इस इक्वेशन का दोनों साइड क्या करेंगे अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें एक्स ऑफ एस का, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एक्स ऑफ टी, यहाँ से लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा एस आई माइनस ए का इनवर्स एक्स ऑफ जीरो। क्लियर, तो अपने क्या क्वेश्चन बन गई एक्स ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ जीरो फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी क्वेश्चन सिक्स। क्लियर, अब इस इक्वेशन सिक्स को कंपेयर करेंगे किससे इक्वेशन थ्री से। इक्वेशन थ्री क्या थी यही देखो एक्स ऑफ टी इक्वल टू फाइव ऑफ टी एक्स ऑफ जीरो, ये थी अपनी इक्वेशन थ्री। इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इक्वेशन सिक्स से एक्स ऑफ टी इक्वल लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स एक्स ऑफ जीरो से। ठीक है, अब इससे कंपेरिजन करेंगे तो अपने क्या क्वेश्चन निकल के आएगी देखो फाइव ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से देखो एक्स ऑफ टी है इस एक्स ऑफ टी की जगह, ये देखो इस एक्स ऑफ टी की जगह क्या पुट कर देंगे अपन लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ जीरो, तो एक्स ऑफ जीरो से एक्स ऑफ जीरो कैंसिल हो जाएगा फाइव ऑफ टी इक्वल टू क्या कैलकुलेट हो जाएगा फाइव ऑफ टू इक्वल टू निकल के आएगा क्या लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का होल इनवर्स। क्लियर, मैंने अपना क्या फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ फाइव ऑफ टी इक्वल टू क्या निकल के आ गया लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, ये अपना फाइनल ट्रांजिशन मैट्रिक्स हुई। क्लियर, ये अपना फाइनल ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाई फाइव ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स। क्लियर, अब क्या पढ़ना था इसमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है अपन ने पढ़ लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अब आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि फाइव ऑफ टी इक्वल टू ई टू पावर ए टी हो फाइव ऑफ टी इक्वल टू ई पावर ए टी देन टी इक्वल टू जीरो पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा फाइव ऑफ जीरो इक्वल टू e टू पावर a इंटू जीरो माई ई पावर जीरो, तो यानी क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी वन। तो फाइव ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाता है आई फाइव ऑफ जीरो इक्वल टू आई, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है यदि हम इसमें शिफ्टिंग करें इसकी फाइव टी टू माइनस टी वन एंड फाइव टी वन माइनस टी नॉट, ठीक है टी वन और टी नॉट की शिफ्टिंग की जाए तो इसका क्या निकलता है इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है तो क्या निकलता है इसका e टू पावर a t2 माइनस टी वन इंटू ई पावर a टी वन माइनस टी टू हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल गया ये कॉमन हो जाएगा दोनों में से क्या बन जाएगा टी वन से टी वन कैंसिल हो जाएगा टी टू माइनस टी नॉट आ जाएगा, तो क्या बनेंगे प्रॉपर्टीज सेकेंड प्रॉपर्टी फाइव टी टू माइनस टी वन इंटू फाइव टी वन माइनस टी टू इक्वल टू क्या बन के आएगा ई टू पावर ए टी टू माइनस टी नॉट। क्लियर, देन फाइव टी टू माइनस टी वन एंड फाइव टी वन माइनस टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव ऑफ टी टू माइनस टी नॉट। क्लियर, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है फाइव ऑफ टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ई टू पावर ए टी, यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा ए ई टू पावर ए टी ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता है, अब एक्स अकेला नहीं है ए है तो ये अपना क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है मैं। ठीक है, तो फाइव ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ए ई टू पावर ए टी देन फाइव ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए फाइव ऑफ टी, ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी फाइव ऑफ टी इक्वल टू पावर के हो देन ई टू पावर ए टी ई टू पावर ए टी एंड ई टू पावर ए टी कंटिन्यू कहाँ तक जाए के टर्म्स तक कंटिन्यू जाए सब तब क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी कि फाइव ऑफ टी पावर के है तो ई टू पावर क्या हो जाएगा ए के ऑफ टी हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे सम हो जाएंगे ई टू पावर के टर्म्स तक गया तो के का ऐसा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा ई टू पावर ए के टी बन जाएगा। ओके, देन फाइव ऑफ टी इक्वल टू के फाइव ऑफ टी टू पावर के इक्वल टू क्या बन जाएगा फाइव ऑफ के टी वेयर के क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये यूनिट्स अपनी आज कंप्लीट हुई, फिफ्थ यूनिट्स थी अपनी आज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।